हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने इस चर्चा वाले चैनल में। और आज हम लोग देखने जाने वाले हैं ये जो मूवी आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये वाली मूवी। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ मूवी फॉर मेनी पीपल्स, दिस इज़ इमोशन। हम लोग देखने वाले हैं द कश्मीरी फाइल्स, जो कि बहुत ज़्यादा बूम कर रही है इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर 2 डेज ऑफ रिलीजिंग। सो लेट्स गो टू बूटी सिनीप्लेक्स, जो कि नागपुर में। हाँ, इसकी स्पेलिंग है BUTY, तो अब क्या प्रोनाउंस करना आप कमेंट में बता दीजिए। तो चलो चलते फिर आगे। आज का जो इवेंट है वो काफ़ी स्पेशल इवेंट है। दिस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड यंग जर्नलिस्ट ऑफ इन नागपुर, विनय सर। सो 2 मिनट, विनय सर। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय, आई एम डूइंग गुड। फिल्म क्योंकि ये रियल इंसिडेंसेस पे आधारित है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करें, इस जो भी कुछ हुआ था कश्मीर में 1990 में, इसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो। इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंस, यू नो, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इंडिया में क्या हुआ था और जो हम बात नहीं करते उसके बारे में ये मूवी है, ताकि यूथ आगे चल के बाहर निकल के इसके बारे में बात करें कि रियलिटी क्या है जो हमें बताई नहीं जाती है, क्या क्या हुआ है और कुछ लोग किस मुश्किलात से गुजरे हैं, और वो जाके अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से और जिनसे भी मिले तो ये बात करें, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। सर, डू यू थिंक द यूथ ऑफ टुडे आर चेंजिंग द वे दे थिंक? डेफिनेटली, विद दिस दे विल डेफिनेटली द थिंकिंग प्रोसेस विल चेंज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ से जाने के बाद किस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कमेंट्स कि लोग क्या सोचते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द गिव अवे। थैंक यू सो मच एंड आई विल बी देयर इन लाइक 5 मिनट्स। So we are inside BUTY, Booty Cinema, and it's time for a show. तो चलो यार चलते हैं। और इस मूवी में इतने ज़्यादा डिबेट हो रहे थे, ओपिनियन इतने अलग अलग आ रहे थे। सो लेट्स वॉच दिस मूवी एंड आगे करते हैं चर्चा। मेरी माँ का नाम शारदा था, ये उसकी कहानी है। मेरे भाई का नाम शिव, अभी हम लोगों ने जो है कश्मीरी फाइल्स देखी है। सो आई हैव मेनी पीपल अराउंड मी, सो लेट मी आस्क एंड व्हाट डू यू फील आफ्टर वॉचिंग मूवी, कैसा था मूवी का? आई थिंक लाइक ऑल आई वांट टू से इज आई कैन नॉट इमेजिन द होपलेसनेस दोस पीपल मस्ट हैव फेल्ट ऑन एन एवरीडे बेसिस। लाइक हम आज देख रहे हैं, आज रियलिटी देख रहे हैं कि क्या हुआ होगा उनके साथ, बट उन्होंने वो चीज़ रोज जी है फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स। लाइक 1990 से तुम इमेजिन करते हो कि लाइफ इवेंचुअली नॉर्मल हो जाएगी आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, बट सडनली 2003 में आके समबडी कम्स टू योर हाउस एंड जस्ट किल्स यू। बट आई एम जस्ट लकी दैट आई गॉट टू विटनेस अ मास्टरपीस। थैंक यू सो मच। सो फाइनली आई हैव विनय सर। सर, मूवी के बारे में, पोस्ट मूवी, ये मूवी ने एक प्रयास किया है कि जो हमारी पहले की जनरेशन्स और काफ़ी दर्शकों पहले की जनरेशन में जो सहा है कश्मीर में, जो हमें आज तक पता नहीं था, ये मूवी के माध्यम से लोगों को पहुंचाने की बहुत अच्छा प्रयास डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया। और ऐसे ऐसे कम्युनिटी प्लान्स बनते रहना चाहिए जो सोसाइटी बिल्डिंग की तरफ एम्ड हों, जो लोगों को एनलाइटन करें और हिस्ट्री से पास लाएँ, ना कि उन्हें और दूर करें। तो सर, क्या आपको लगता है कि हमसे हम कोई हिस्ट्री छुपाई गई है इंडिया की? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली। तो इसके पीछे कोई रीज़न हमें कि जैसे कि एक मूवी मैंने एक अभी हाल फिलहाल पावनखिंड मूवी देखी है, तो वो मूवी में पावनखिंड, बैटल ऑफ पावनखिंड के बारे में किसी को नहीं पता है।
तो ये सारी मूवीज हमें, ये सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो लोगों को पता चलनी चाहिए मूवी के थ्रू, वो पता चल रही है। हमें शिवाजी महाराज के बारे में पता चला है, पर देन हमें नहीं पता कि बाजी प्रभु देशपांडे कौन है, उनके बारे में भी ये मूवी पावन भिंग जो है उनके उनके बारे में लोगों को बताने का प्रयास है। और ये ऐसी चलती रहनी चाहिए ताकि लोगों को, जो क्योंकि आजकल पढ़ाई कोई करता नहीं, पढ़ता नहीं, तो मूवी के थ्रू ही कम से कम एनलाइटन हो जाए। थैंक यू सो मच। सो फाइनली जिस तरीके से आपने देखा, हर किसी के एक अपने अपने अलग अलग ओपिनियन थे इस मूवी को लेकर। सो थैंक यू डायरेक्टर फॉर शोइंग समथिंग न्यू अबाउट आवर ओन कंट्री, कि जहाँ पर जो है इतने अत्याचार, बदसलूक, लाइक आप खुद मूवी देखिए, आई कांट डिस्क्राइब दैट विजुअल। कोई कोई विजुअल बहुत से ऐसे हैं जिस जगह पे यू विल फील लाइक आप अपनी आंखें बंद कर देते हो, यू कांट सी दैट सीन्स, इतने इमोशनल एंड हेवी सीन्स हैं। वी कैन जस्ट सी इट, बट असली में जब किसी के साथ होता है तो वही फील कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू दैट प्लीज़ आइए इस जगह पे, मूवी देखिए। आपके क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर कमेंट में लिखिए, और काफ़ी नए लोगों से मिले, अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, इसी तरीके से चर्चा में रहिए। धन्यवाद।